Hello everyone, welcome back to the channel. Now today we will learn about something different. Here I am not only to teach you what is written on the board, that is the table of 10, but here there is a kind of suspense, if I will say. Suspense kya hai wo aapko pata chal jayega, kyunki yahan par sirf टेबल के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक और चीज के बारे में बात करेंगे. सो बी रेडी. अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने टेबल लिखी है 10 की. 10 वन ज 10, 10 टू ज 20, 10 थ्री ज 30, 10 फोर ज 41 एंड 10 फाइव ज 50. यहाँ पर शायद आप लोग मुझे देख के हंस रहे होंगे, बिकॉज हेयर आई हैव रिटन 10 फोर ज 41. सो मे बी यू आर थिंकिंग दैट व्हाई मैम हैज रिटन दिस 41. मैम डोंट नो the table of 10 or what, but many of you have not seen that I have written the other things correctly. तो जब भी हम दूसरों की बातें करते हैं या दूसरों को देखते हैं तो हम बजाय कि उनकी पॉजिटिविटी देखने के कि उनको ये इतना तो आया या इतना तो आ रहा है, हम उनकी नेगेटिव चीजें पहले नोटिस करते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं. वी यूज टू क्रिटिसाइज पीपल, वी यूज टू सी द नेगेटिव थिंग्स इन देम, वी यूज टू लाफ ऑन देम. जैसे कि हम बोल देते हैं कि इसको तो इतना नहीं आता, लेकिन जितना आया उसको कौन देखेगा. दैट इज द मेन थिंग टू पॉइंट आउट एक्चुअली. सो एवरीवेयर वेन एवर यू सी पीपल लर्निंग और डूइंग समथिंग, फर्स्ट सी देयर पॉजिटिव थिंग्स दैट द वे दे आर डूइंग एंड टिल द टाइम दे हैव डन दैट थिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जितना उन्होंने किया है वो भी बहुत बड़ी बात है. क्या आप उतना कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना आप दूसरों में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, क्रिटिसाइज कम करेंगे लोगों को, उतनी ज्यादा सोसाइटी अच्छी होगी. यू कैन हेल्प अदर्स टू अचीव देयर गोल्स एंड बाय दिस यू विल अचीव योर गोल्स आल्सो, बिकॉज क्रिटिसिज्म अफेक्ट्स अदर्स बट इट अफेक्ट्स मोर टू यू आल्सो. दूसरों को तो इफेक्ट करता ही है नेगेटिव या क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना, पर आपको खुद को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक सोसाइटी में हम सभी एक साथ रह रहे हैं. एंड उस सोसाइटी में अगर हम किसी और को नीचा दिखाते हो तो उसी सोसाइटी के अंदर आप भी रह रहे हो, कल को कोई और भी आपको नीचा दिखाएगा. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, वट एवर यू विल गिव यू विल गेट इट बैक. इफ यू विल क्रिटिसाइज अदर्स, यू आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी एंड देन द अदर्स विल क्रिटिसाइज यू, यू विल गेट द सेम थिंग इन द सोसाइटी वट एवर यू वर गिविंग बिफोर. रिमेंबर दिस, ग्रो योर सेल्फ, ग्रो अदर्स, हेल्प अदर्स, understand others, and if someone makes mistake, rectify their mistakes, tell them what is correct, like here I have done. It's not the thing that I am a teacher and I'm teaching you, so I can't be wrong. I can also be wrong. मैं एक टीचर हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकती. मैं भी गलत हो सकती हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है, बट इट्स द वे हाउ यू आर लुकिंग अदर्स, हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर्स, हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स. So that was the main thing I wanted to say. It was not only the table, it was the thing that don't criticize anyone, understand and help others. तो आज का main topic मेरा यही था कि आपको मैं इस छोटी सी table के हिसाब से बता सकूं, एक message pass कर सकूं कि अगर कोई mistake करता है तो उसको नीचा ना दिखाएं, उसको criticize ना करें, rather than that उनको ऊपर उठाएं, उनको कहें कि इतना तो ठीक किया, वो भी बहुत बड़ी बात है. उनको बताएं कि इधर मिस्टेक है, इसको ठीक करो. सो बी पॉजिटिव, स्प्रेड हैप्पीनेस, हेल्प अदर्स. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीवन.